नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है। गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे PIS। आज के मुख्य हेडलाइंस। कूच बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुआ हमला, आरोप तृणमूल कांग्रेस पर। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली पुण्यतिथि आज भव्य रूप से मनाई जा रही है। एक शिक्षक के घर के गैरेज से 4 जिंदा बम किए गए बरामद। खूंटी पूजा के जरिए दुर्गा पूजा के पांडाल बनाने की शुरू हुई तैयारी। अब खबरें विस्तार से। बृहस्पतिवार रात कूचबिहार के नागद हाट बाजार इलाके में 40 से 50 की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर किया हमला। भाजपा ने लगाया आरोप। इस हमले में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए, जिसमें 4 को कूचबिहार सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनके नाम है विकास बर्मन तथा प्रसन्नजीत बर्मन। रात्रि मोटामुटी 7:30-8 नागाद তৃণমূলের কিছু বহিরাগত টিম আমাদের পানিশালা এবং দাওয়াগুড়ির কিছু তৃণমূলের কিছু নেতৃত্বে বহিরাগত হাড়িভাঙ্গা পাটছড়া ছুকটাবাড়ি এরকম বহিরাগত কিছু দুষ্কৃতি এসে আমাদের কর্মীরা বাজার করছিল, সেই সময় তৃণমূল অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। এবং গতকাল আমরা দেখেছি যে আমাদের যে মিছিল ছিল সেই মিছিলে শান্তিপূর্ণ মিছিল ছিল, সেই শান্তিপূর্ণ মিছিলও তৃণমূল বোমা বিস্ফোরণ করে পুলিশ পর্যন্ত আহত হয়। তারপরে পুলিশ যারা প্রকৃতপক্ষে আসামি তাদেরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে না, আর যাদের নামে আমরা কোনো এফআইআর করি না তাদের নামে পুলিশ এরকমভাবে গ্রেপ্তার হচ্ছে। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि আজ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व PM प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश के बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नई दिल्ली में अटल जी के स्मृति स्थल सदैव अटल पहुंचकर PM मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि बीते साल 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद भारत के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने आज पहली पुण्यतिथि पर पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिलीगुड़ी के NJP संलग्न अग्रामी संघ क्लब में खूंटी पूजा के जरिए दुर्गा पूजा के पैंडल बनाने का शुरू की गई तैयारी। सिलीगुड़ी के NJP संलग्न अग्रणी संघ क्लब में गुरुवार को खूंटी पूजा के जरिए दुर्गा पूजा के पंडाल बनाने की तैयारी शुरू की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में क्लब के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। क्लब सूत्रों के अनुसार इस वर्ष क्लब की ओर से 62वां दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इन लोगों ने बताया कि इस वर्ष प्रचंड गर्मी के मद्देनजर पूजा की थीम शीतल स्नेह छाया रखी गई है। क्लब सूत्रों के अनुसार हर वर्ष काफी संख्या में लोग दुर्गा पूजा घूमने यहां पहुंचते हैं। इस वर्ष भी अधिक से अधिक संख्या में लोगों को यहां जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार सुबह नगरकाटा ब्लॉक के लकीपाड़ा चाय बगान में वन विभाग की ओर से लगाए गए खांचे में चीता पकड़ा गया, जिसे फिलहाल लाटागुड़ी पर्यावरण केंद्र में रखा गया, जिसे बाद में गोरुमारा के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ज्ञात हो कि उक्त इलाके में काफी दिनों से उक्त चीतों ने उक्त इलाके में आतंक मचा रखा था। इसके वजह से गांव वाले आतंक में जी रहे थे। इस पर गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। इस पर वन विभाग ने एक खांचा लगाकर उसमें एक बकरे को चारा बनाकर उसमें रखा, उस पर चीते को पकड़ा जा सका। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि चीते को फिलहाल लाटागुड़ी पर्यवेक्षण केंद्र में रखा गया है, जिसके बाद चीते को गोरुमारा के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आज के लक्ष्मीपाड़ा चा बागान 9 सेक्शन से एक पूर्णवयस्क फिमेल लेपार्ड उद्धार करा। लेपार्डटी के प्राथमिक चिकित्सार जो हमें लाटागुड़ी NIC ते पाठिए, चिकित्सार पर लेपार्डटी के तार स्वाभाविक बासस्थाने छेड़े देवा हबे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपुकुर थाने की साहपुर इलाके में एक शिक्षक के घर के गैरेज से 4 जिंदा बम किया गया बरामद। उक्त इलाके में बृहस्पतिवार को इस घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि गैरेज में एक बक्से में जिंदा बम रखे गए थे। मोहम्मद अब्बास आलम नामक इस शिक्षक का दावा है कि भू माफियाओं के साथ उनके जमीन विवाद को लेकर पूर्व नियोजित योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए साजिश के तहत उसके घर में बम रखे गए हैं। इस बम मिलने की खबर मिलते ही ग्वालपुकुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर
बम को अपने कब्जे में ले लिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। हैथवे की हवा से अब उड़ जाएंगी ये छतरियाँ। इसके अल्ट्रा स्मार्ट हब में है 400 से भी ज्यादा HD चैनल्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, क्रोमकास्ट, गूगल वॉइस असिस्ट और ढेर सारे ऐप्स। हैथवे, बदल गया है गेम। छतरियाँ गिरती है, रंगे बदलती है, उड़ती संभलती कैसे टहलती है, गलियों से मुड़ती छतों से फिसलती है, रस्तों पे खोई जाने कहाँ छतरियाँ। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मीद माहिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरती देखि आकाश सम्म रंग हो PIS को। PIS पशुपति इन्फ्रा एन्ड सप्लायर्स, एक्सक्लुसिव स्टोर फॉर प्रीमियम फ्लोरिंग एन्ड वॉल टेक्सचर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 9733411141. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। झारखंड अंतर्गत साहिबगंज के पुलिस ने दो देसी कट्टे कारतूस व एक मोटरसाइकिल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार। झारखंड अंतर्गत साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंगलहाट में कृष्णमंडल के ग्रुप अपराधी घूम रहे हैं। इस पर कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी राजमहल को निर्देश दिया गया। इस पर एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान निर्मल साव, दीपक कुमार रविदास, सकलदीप मंडल सभी पुलिस को देखते ही भागने लगे, तो पुलिस ने दौड़ाकर तीनों अपराधी को धर दबोचा। साथ ही पुलिस को उनके पास से दो देशी कट्टा कारतूस व मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि वे बिहार के कटिहार जिले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। राजमहल थाना अंतर्गत मंगलहाट एरिया में कृष्णा मंडल के ग्रुप के कुछ लोगों के द्वारा कुछ बड़ा घटना को अंजाम देने के फिराक में आकर के कुछ प्लानिंग कर रहे थे, इससे एक सूचना मिला था। इस सूचना के सत्यापन और आगे की कार्रवाई के लिए राजमहल थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया और इनके द्वारा सूचना के सत्यापन के क्रम में तीन लड़का को पकड़ा गया है और उनके हाथ से दो कारगर हथियार, देसी हथियार और कुछ लाइव गोलियां बरामद किया गया है। इसमें
निर्मल साहू, दीपक रविदास और सकलदीप मंडल, ये तीनों कृष्णा मंडल गिरोह के पुराना लोग हैं। उन लोगों के द्वारा कटिहार जिला में एक बड़ा डकैती करने के लिए और हमारा साहिबगंज में कुछ मर्डर करने का फिराक में था। ये साहिबगंज पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस काम के लिए राजमहल थाना प्रभारी को 5,000 रुपये का रिमांड भी दे रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को सिलीगुड़ी में 120 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ शोभा यात्रा निकाला। देश के 73वां स्वतंत्रता दिवस पर जलपाईगुड़ी शहर के 3 नंबर गुमाटी इलाके में एवीवीपी के सैकड़ों समर्थकों ने यह यात्रा निकालकर जो शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए वापस 3 नंबर घुमटी पहुंचकर समाप्त हुई। पिछले 7 दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली एम्स के आईसीयू में भर्ती है। 9 अगस्त को एम्स ने उनकी सेहत को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसके बाद से अभी तक एम्स प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वो अभी भी आईसीयू में ही है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो जेटली के लंग्स में पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है और यही वजह है कि डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश मुखर्जी को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। आकाश पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप है। 21 साल के आकाश पर आईपीसी की धारा 427 धारा 279 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस हादसे के बाद रूपा गांगुली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात आकाश की कार दीवार से टकरा गई। इस हादसे में वह बाल बाल बच गए। यह हादसा सांसद रूपा गांगुली के घर के पास ही हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार देर रात रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की बाउंड्री वॉल में आकाश की गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके बाद दीवार का हिस्सा कार पर गिर गया। आकाश को इस हादसे में मामूली चोट आई है। कुछ देर बाद यादवपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और आकाश को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की गई और यह पता लगाने के लिए उनका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा कि क्या उन्होंने शराब का सेवन करने के बाद गाड़ी चलाई थी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस वक्त हादसा हुआ था उस दौरान गाड़ी की स्पीड क्या थी। इस हादसे के बाद सांसद रूपा गांगुली ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा मेरे आवास के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। मैंने पुलिस को फोन किया ताकि वह इसके कानूनी पहलुओं को देखें। कृपया कोई पक्ष नहीं लिया जाए, कोई राजनीति न की जाए। मैं अपने बेटे से प्यार करती हूं और उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। कुछ बिहार में तृणमूल कांग्रेस ने मनाया रक्षाबंधन उत्सव, मंत्री रविंद्रनाथ घोष भी हुए शामिल। कुछ बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से गुरुवार को रक्षाबंधन उत्सव का पालन किया गया। कुछ बिहार शहर के माँ भवानी चौराहे में तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष समेत काफी संख्या में तृणमूल नेता व समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर तृणमूल नेता व समर्थकों ने सड़क पर चलते राहगीरों को राखी बांधी। इस दौरान उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष भी उपस्थित रहे। उन्होंने राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए रक्षाबंधन की भी बधाई दी। इस दौरान काफी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों ने मंत्री रविंद्रनाथ घोष के हाथों में राखी बांधी। কার্যালয়ের পাশেই তার পাশে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে এসে আমাদের ছেলে পেলেদের নিয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে তারাও রাখি করাচ্ছে, চকলেট দেওয়া হচ্ছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন, 1947 সালের এই দিনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা 200 বছরের বেশি সময় ধরে। पड़ोसी राज्य झारखंड अंतर्गत साहिबगंज नगर के टाउन हॉल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों ने नृत्य का प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस आयुक्त राजीव रंजन, डीसीपी डीडीसी नेक्सी सहाय के साथ अन्य पदाधिकारियों एवं दर्शकगण मौजूद रहे थे। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।